गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज सेकेंड स्टैंडर्ड ऑनलाइन क्लास। टुडे सब्जेक्ट इज मैथ्स। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स में हम लोग 8 चैप्टर 10 एंड 1 टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग वार बुक सीखेंगे, ठीक है। तो वार बुक में क्या है, टेंस एंड वंस। टेंस मतलब क्या होता है, कोई टेंस मतलब 10 नंबर लेके वन टेंस बनता है। जैसा टेन, इसमें 10 स्माइल का फोटो दिया हुआ है, मतलब 10 स्माइल का जो फेस है ये लेके वन टेंस बनता है। 10 10 10 करके, जैसे देखो 20 30, 20 में से टेंस कितना बनेगा, 10 10 करके 2 टेंस। 30 में से टेंस कितना बनेगा, 10 10 10 करके 3 टेंस बनेगा। 10 मतलब आपको 1 टेंस समझना पड़ेगा। तो देखो, स्माइली फेस का फोटो दिया हुआ है, इसमें कितना टेंस है हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो इसमें देखो, ये जो बॉक्स दिया हुआ है, देखो इसके अंदर 10 स्माइल फेस है। इसके अंदर 10 स्माइल फेस है। टेन स्माइल फेस है मतलब क्या हुआ, 1 टेंस और 2 स्माइल फेस बाहर है, बॉक्स के बाहर है, मतलब क्या हुआ, 2 वंस। अभी नेक्स्ट देखो, तो टोटल कितना हुआ, 1 2 12। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टार में क्या लिखा है। स्टार में देखो, आप देख पाओगे टोटल स्टार में, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। तो इस पे ये वाला जो बॉक्स है, इसमें टोटल 10 है स्टार्स, और ये वाला बॉक्स में 10 स्टार है। आप काउंट करके तो आपको अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा। तो 10 10 करके 2 टेंस बनता है, मतलब 2 टेंस हुआ, इसलिए टेंस की जगह पे मैंने 2 लिखा। और जिधर वंस लिखा हुआ है उधर मैंने 3 लिखा, क्योंकि बाहर ये 3 स्टार्स है, 3 छुट्टा पड़ा है, मतलब ये वंस हुआ। ऐसा करके मैं नेक्स्ट वाला बॉक्स भी ऐसा किया, इसमें 3 टेंस हुआ, 10 10 करके 3 है, मतलब 30 है। तो इसमें 3 टेंस हुआ और बाकी छुट्टा पड़ा है 6। तो 10 3 10 6 1, टोटल 36। नेक्स्ट नंबर भी मैंने ऐसे ही करके किया। आप बुक अच्छे से काउंट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा है, फिल इन द एम्प्टी बॉक्स। एम्प्टी बॉक्स में आपको नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 27 इक्वल टू 20 प्लस, और बॉक्स दिया हुआ है उसमें आप कितना ऐड करोगे तो 27 होगा, 7 ऐड करोगे तो 27 होगा। ये तो आपका बुक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर जितना सारे हैं मैंने कर दिया, अब आपका बुक्स में अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। देखो 29 इक्वल टू 20 दिया है और बॉक्स खाली दिया हुआ था, तो इसमें आप कितना ऐड करोगे, 29 होगा, इसमें आप 9 ऐड करोगे तो 29 होगा। 32 भी ऐसा है, पहला वाला बॉक्स छोड़ दिया है, प्लास्टिक के 2 दिया हुआ है, इसमें आप कितना ऐड करोगे तो 30 होगा, इसमें 32 होगा, इसमें आप 30 ऐड करोगे तो 32 होगा। नेक्स्ट नंबर भी 38 मैंने ऐसा किया, 46 पे भी ऐसा किया, 43 पे भी ऐसा किया। तो आप देख पा रहे हो मैंने कैसा करके पूरा बॉक्स भरा है। अब अच्छे से कोशिश करोगे तो आप भी कर पाओगे। फिर उसके बाद देखो मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग इसमें ए भी बहुत इजी है, तो इसमें मैच करना पड़ेगा 35। तो 35 नंबर किसके साथ ऐड करूँ, तो कौन सा नंबर ऐड करूँ तो 35 होता है। देखो मैंने मैच किया, पहले वाला नंबर 30 प्लस 5 35 होता है, तो 35 से मैच होगा एकदम 30 प्लस 5 तक अब लेके आओगे। फिर 84 से 84 के साथ क्या मैच होगा, 80 प्लस 4 होता है 84। 60 प्लस 1 होता है 61। 12 नेक्स्ट नंबर, 10 प्लस 2 होता है 12। 53
फिफ्टी प्लस थ्री होता है 53, 48, 40 प्लस 8 होता है 48, 16, 10 प्लस 6 होता है 16, लास्ट नंबर 21, तो इसके साथ 20 प्लस 1 ऐड होगा तो हो जाएगा 21। ठीक है, जैसा करके मैंने मैच कर दिया है बुक्स में, अब अच्छे से देखकर मैच करोगे। नंबर 2 पे भी ऐसा दी बॉक्स दिया हुआ है, तो ये ऐसा करके आपको ये कंप्लीट करना है, जैसा मैंने अभी आपको समझा दिया। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में क्या करना है, ड्रॉ बाय टेकिंग 10 बॉक्स दिया हुआ है एंड 1 ट्रायंगल, 10 इक्वल टू 1 बॉक्स एंड 1 इक्वल टू 1 ट्रायंगल फॉर द नंबर्स गिवन बिलो। जैसे देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने पहले ही सीख लिया था 10, एक 10 मतलब 1 टेंस, 2 10 मतलब 2 टेंस। जैसे देखो इसमें एग्जांपल पे दिया हुआ है 36 और ऊपर बॉक्स बना हुआ है 3 और नीचे ट्रायंगल है 6, 3 क्यों बॉक्स बना हुआ है, 36 मतलब 30 लेके 3 टेंस होता है, तो इसीलिए 3 टेंस के लिए 3 बॉक्स दिया हुआ है और 6 होता है 1s, तो इसीलिए छुट्टा पड़ा है 6, तो 6 को आप ट्रायंगल करोगे, जैसे मैंने जैसे बुक्स में 6 ट्रायंगल दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर देखो 43 में से टेंस कितना बनेगा, 4 टेंस बनेगा, तो आपको 4 बॉक्स बनाना पड़ेगा और 1s कितना है इसमें, 3 1s है, तो ट्रायंगल आपको 3 करना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर 57 में से टेंस कितना बनेगा, 5 बनेगा, 50 मतलब 5 टेंस, तो आपको 5 बॉक्स बनाना पड़ेगा और 7 ट्रायंगल आपको करना पड़ेगा। ये मैंने करके नहीं दिया, समझा दिया, ये आपको खुद करना है, आपका होमवर्क है। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज में देखो, हाउ विल यू पे द शॉपकीपर टू बाय द थिंग्स गिवन बिलो एज नीडेड। मतलब आप कुछ खरीदने गए हो तो आप कैसे खरीदोगे और कौन सा पैसा, नोट रुपीस आप, नोट कॉइन्स आप यूज़ करोगे। तो देखो इसमें नोट मतलब रुपीस और कॉइन्स का फोटो दिया हुआ है, तो आप दुकान पे सोचो कुछ खरीदने गए हो तो आपको ये नोट और ये कॉइन्स का ही आपको यूज़ करना है। तो एग्जांपल पे देखो, तो स्टूडेंट्स एग्जांपल पे देखो 12 रुपीज़ दिया हुआ है, तो इसको कैसे दिखाना है, इसको आप देखो, मैं 12 रुपीज़ दिखा हुआ है, तो इसको 12 को कैसे दिखाना है, 10 रुपीज़ दिखाया प्लस 1 कॉइन, प्लस 1 कॉइन कितना होता है 10, 1 कितना होता है 12, तो आपको साइड पे ये दिखाना पड़ेगा 12 दिखा के, जैसा एग्जांपल पे दिया हुआ है। आप आपका बुक्स में ऐसा 10s 1s का बॉक्स बनाओगे, फिर ऐसा लेके 10 रुपीज़ मतलब ऊपर से आप जितना नोट दिया हुआ है, देखो ये नोट का फ़ोटो है, इसमें से आप 10 रुपीज़ लिए हो और इसमें से आप 1 रुपीज़ कॉइन लिए हो, जैसा ये वाला, और 1 रुपीज़ कॉइन लिए हो मतलब इधर से और 1 रुपीज़ लिया, तो कितना हो गया 12। नेक्स्ट नंबर देखो, 1 नंबर बुक्स में तो एग्जांपल पे था, अभी नेक्स्ट नंबर आपका बुक्स में आप ऐसा करोगे, ए बॉल ऑफ 25 रुपीज़। सोचो आप दुकान पे गए हो और एक बॉल देखा, उसमें वो बॉल का प्राइस था 25 रुपीज़, तो आपको कैसे दिखाना पड़ेगा, जैसे देखो मैंने लिखा इधर, जैसे मैंने इधर 25 लिखा, देखो 25 लिखा, अभी 25 को आप कैसे अलग से 10 रुपीज़ पे दिखा पाओगे, तो 10 प्लस 10 20 होता है, 20 हुआ जैसे मैंने लिखा प्लीज़, तो 5 रुपीज़ का आपको कॉइन लेना पड़ेगा, 1 1 1 1 करके मैंने 5 रुपीज़ का कॉइन लिखा, देखो आप देख पाओगे। ठीक है, मैंने जो
टिक मार्क कर दिया वो वाला बॉक्स। अब अच्छे से देखो और समझो, 25 आप ऊपर लिखोगे, 10 + 10 20 होता है, क्योंकि आपका मर्जी के हिसाब से इसमें आप नोट नहीं लगा सकते हो। ऊपर दिया हुआ जो नोट का फ़ोटो है उसमें से ही आपको लेना है, और उसमें से 10 रुपीस ही दिया हुआ है, मतलब आपको 10 रुपीस और 1 रुपीस का कॉइन ही लेना पड़ेगा। तो 10 करके 20 रुपीस हुआ, और बाकी 5 रुपीस। 5 रुपीस कैसे बनाओगे, 1 1 1 करके जो छुट्टा का फ़ोटो दिया हुआ है उसमें से सोचो आप 1 1 1 करके 5 कॉइन्स ले लिया, तो बन गया 25 रुपीस। फिर नेक्स्ट अब एक बॉक्स बनाओगे ऐसा 10s और 1s का, जैसे एग्जांपल पे दिया हुआ है, 25 में से 2 10s बनता है तो बॉक्स में 2 लिखोगे, और 5 1s बनता है तो 5 1s लिखोगे। अभी 25 को कैसे दिखाओगे, पैसे को 10 + 10 देखो मैंने लिखा, 10 + 10 20 और 5, जैसे ही पहले लेफ्ट साइड में जैसा किया ऐसा राइट साइड पे भी मैंने ऐसा ही किया। फिर नेक्स्ट देखो टू नंबर पे क्या लिखा है, ए डॉल ऑफ 33 रुपीस। आपको अब दुकान पे गए हो और 33 रुपीस का एक डॉल देखा, तो अब कैसे करोगे, 33 रुपीस का डॉल कैसे प्राइस आप पे करोगे शॉपकीपर को, तो उसमें 32 नंबर का बात कर रही हूँ मैंने, 2 नंबर, तो इसमें 33 लिखोगे, 33 में से आप कितना रुपीस का यूज़ कर सकते हो, 10 रुपीस ही यूज़ कर सकते हो, तो 10 10 10 करके 30 हुआ, और पड़ा है 3, तो उसमें से 1 1 1 करके बन गया अपना 33। फिर ब्रैकेट में 10s 1s लिखना है, और उसमें 30 में से 10s कितना आता है, 3 10s आता है और 1s 3 है, जैसा ऐसा करके आपको करना है, 10 + 10 20 + 10 30 और 3 1 1 1 बन गया 33। 3 नंबर भी मैंने ऐसे ही करके दिया है, 47 में से 4 10 10 10 10 करके 4 बार आप 10 लिखोगे, फिर 7 का 1 1 1 करके आप 7 बार 7 लिखोगे, हो जाएगा 47। 10s और 1s में 4 और 7, जैसे मैंने लेफ्ट साइड में करके दिया ऐसे ही देख के आपको राइट साइड में करना है, 4 बार 10 आएगा और 7 बार 7 आएगा, 1 1 1 करके 7 बार 7 आएगा। फिर नेक्स्ट 2 नंबर हैं वो आपका होमवर्क है, वो आपका बुक्स में आप अच्छे से करोगे। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में भी ऐसा ही दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा है, हाउ विल यू पे द शॉपकीपर टू बाय द थिंग्स गिवन बिलो एज नीडेड, स्टेट टू डिफरेंट वे टू पे। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही बुक्स में फ़ोटो दिया हुआ है 10 रुपीस का, 1 रुपीस कॉइन का है, 2 रुपीस कॉइन है और 5 रुपीस कॉइन है, तो यही नोट और ये कॉइन यूज़ करके हम लोगों को 24 रुपीस अगर दिया, 36 रुपीस दिया, 63 रुपीस दिया है, तो यही आपको करना पड़ेगा, ए रुपीस ही आप यूज़ कर सकते हो, आपका मन का हिसाब से आप रुपीस यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसमें पहले वाला एग्जांपल पे दिया हुआ है, देखो ये नोटबुक ऑफ 15 रुपीस, तो 15 रुपीस बनाने में हम लोगों को कितना नोट और कितना कॉइन्स लेना पड़ेगा, तो इसमें 15 रुपीस बनाने के लिए 10 रुपीस का नोट लगेगा, तो इसीलिए 10 रुपीस और 5 कॉइन लगेगा, तो 1 1 1 करके 5 कॉइन आप ले लो तो हो जाएगा 15 रुपीस। स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें क्या बोला है, स्टेट टू डिफरेंट वे टू प्ले, मतलब आप एक बार 15 रुपीस एक तरीका से दिखाओगे, 2 तरीका से दिखाओगे और 3 तरीका से दिखाओगे, मतलब 15 रुपीस 3 तरीका से आपको दिखाना पड़ेगा, चाहे वो 15 रुपीस हो, चाहे वो 20 रुपीस हो, चाहे वो 30 रुपीस हो, जितना भी रुपीस बुक्स में दिया हुआ है आपको अलग अलग तरीक़े से कैसे बनते हैं रुपीस वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर 1 देखो, ए पेन ऑफ 24 रुपीस,
24 रुपीज़। मैंने नंबर वन आपको बता रही हूँ, देखो नंबर वन क्या लिखा है, पेन ऑफ 24 रुपीज़। तो 24 रुपीज़ को तीन अलग तरीक़े से दिखाना पड़ेगा, और जो नोट यूज़ करना पड़ेगा वो बुक्स का जो ऊपर नोट दिया हुआ है वही नोट आप यूज़ करोगे। आपका मन का हिसाब से आप यूज़ नहीं कर सकते। इसमें आप सोचोगे, बोलोगे टीचर मैं 20 रुपीज़ का नोट ही यूज़ कर दूँ, तो नहीं चलेगा, क्योंकि बुक्स का ऊपर जो फ़ोटो दिया हुआ है, देखो ये फ़ोटो दिया हुआ है, ये फ़ोटो में जो रुपीज़ दिया हुआ है वही आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें 10 रुपीज़ नोट है, 1 रुपीज़ कॉइन है, 2 रुपीज़ कॉइन है और 5 रुपीज़ कॉइन है। तो आपको बनाने के लिए यही यूज़ करना पड़ेगा, दूसरा आपका मन का हिसाब से आप नोट नहीं यूज़ कर सकते हो। तो देखो 24 रुपीज़ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीन अलग तरीका हम लोग सीखेंगे। तो 24 रुपीज़ बनाने के लिए 10 + 10 20 हुआ, 1 + 1 + 1 + 1 हो गया 24। नेक्स्ट मैंने कैसे किया, 10 + 10 20 हुआ, +1 हुआ 21 + 1 22 और लास्ट पे मैंने +2 कर दिया, मतलब हो गया 24। दो तरीका हो गया। अभी तीन तरीका, 3 स्टेप, 10 + 10 हुआ 20। अभी मैंने 2 रुपीज़ कॉइन यूज़ किया, लास्ट नंबर मैंने ये वाला लाइन का बात कर रही हूँ, 2 कितना हुआ, 10 + 10 20 और 2 कितना होता है 22, +2 कितना होता है 24। ठीक है, मैं आशा रखती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट नंबर देखो, 2 नंबर, 2 नंबर में क्या लिखा है, ए बुक ऑफ 36 रुपीज़। एक बुक्स 36 रुपीज़ का है, 36 को अभी क्या करना पड़ेगा, तीन अलग तरीके से दिखाना पड़ेगा 36 रुपीज़ को। जैसे पहले वाला देखो मैंने कैसे किया, एक तरीका, दो और तीन। तो देखो नंबर वन, 2 नंबर का पहले वाला तरीका देखो, 10 + 10 + 10 30 हुआ और लास्ट में मैंने 1 1 1 करके 6 लिखा, हो गया 36। 6 × 6 लिखा, 1 1 1 करके हो गया 36। 2 नंबर तरीका, 10 + 10 + 10 हो गया 30, +2 कितना होता है 32, +2 कितना होता है 34 एंड +2 कितना होता है 36, हो गया 2 तरीका। अभी 3 तरीका देखो, 10 + 10 + 10 हो गया 30, मैंने 5 रुपीज़ कॉइन लिया, इसमें से कितना हो गया 35 और 1 रुपीज़ 1 कॉइन ले लिया, तो कितना हो गया 36। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 नंबर देखो, ये लंच बॉक्स ऑफ 63 रुपीज़। तो इसको भी 3 तरीक़े से करना है, मैंने करके दिया, अब अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा 63 को मैंने 3 तरीक़े से कैसे दिखाया। जो तरीका आप एक बार यूज़ करोगे वो तरीका आप दूसरा बार नहीं यूज़ कर सकते हो। जो तरीका आप एक बार दिखा दिया तो तरीका आप दो बार नहीं दिखा सकते हो, अलग अलग तरीक़े से, मतलब 3 अलग अलग तरीक़े से आपको ये रुपीज़ को दिखाना पड़ेगा। जैसे 63 रुपीज़ को मैंने कैसे दिखाया, 10 10 10 करके 6 बार मैंने 10 लिखा, हो गया 60 + 1 61 + 1 62 + 1 हो गया 63। 2 नंबर तरीका मैंने कैसे दिखाया, 10 10 10 करके मैंने 6 बार 10 लिखा, मतलब हो गया 60 + 1 दिया, हो गया 61, लास्ट में मैंने 2 रुपीज़ कॉइन दे दिया, हो गया 63। 3 नंबर तरीका, 3 नंबर का क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको, 3 नंबर का क्वेश्चन, ए लंच बॉक्स ऑफ 63 रुपीज़, इसका ही मैंने 3 नंबर तरीका आपको दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें 10 10 10 10 10 करके मैंने कितना बार 10 लिखा, 5 बार लिखा, 10 हो गया 50। अभी मैंने 5 का जो कॉइन है वो मैंने रखा, हो गया 55
और एक 5 का कॉइन है क्या हो गया 60। अभी 60 प्लस 2 का कॉइन ऐड किया हो गया 62 और 1 रुपीस कॉइन ले लिया हो गया 63। तो स्टूडेंट्स सब अच्छे से वीडियो सुनोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। और लास्ट 4 नंबर जो है वो मैंने करके दिया, वो आप अच्छे से वीडियो देख के कर लोगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज देखो, ये पेज बहुत इजी है, हाउ मेनी रुपीज़ काउंट एंड राइट। तो इसमें मैंने कुछ करके नहीं दिया, ये आपको होमवर्क है, खुद करना पड़ेगा। देखो रुपीज़ का आपका बुक्स में अब अच्छे से देख पाओगे, नोट का फोटो दिया हुआ है, उसके साथ साथ कॉइन का भी फोटो दिया हुआ है। तो आपको काउंट करना है और नोट और कॉइन्स को काउंट करके जो खाली जगह दिया हुआ है उसमें आप लिखना पड़ेगा। तो एग्जांपल पे देखो, 3 10 रुपीस का नोट है इसीलिए 30 रुपीस लिखा है। नेक्स्ट नंबर में आपको एक बार दिखा देती हूँ। नेक्स्ट उसका बाजू में जो है इसमें 10 रुपीस का नोट है और 10 रुपीस का नोट है, क्या हुआ 10 10 करके 20, 10 10 हो गया 20, 1 रुपीस कॉइन कितना हुआ 21, फिर 2 रुपीस कॉइन कितना हुआ 22 23, फिर 2 रुपीस कॉइन कितना हुआ 24 25। ठीक है, तो बॉक्स में आप क्या लिखोगे, खाली जगह में आप क्या लिखोगे 25। ऐसे ही करके आपको ये जो पेज है आपको गिन के सही आंसर आपको लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है, आप ये अच्छे से करोगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अब अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग 8 चैप्टर का ही पार्ट 2 सीखेंगे, पार्ट 2 से चालू करेंगे, मतलब पेज नंबर होगा 92। आज हम लोग 91 तक सीखा, अगले वीडियो पे हम लोग 92 से स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।